नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। ईयर वैक्स यानी कान का मैल, जो ईयर हेल्थ के लिए भी जरूरी है। ईयर वैक्स बैक्टीरिया या गंदगी नहीं होता, ये कान को बाहरी धूल मिट्टी और बैक्टीरिया से बचाता है। हालांकि ईयर वैक्स देखने में भद्दा और खराब लगता है और समय समय पर सफाई ना करने पर सुनने में भी परेशानी पैदा कर सकता है। कान में मैल को साफ करने के कई घरेलू उपाय हैं जिनसे आप आसानी से कानों को साफ करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कानों को साफ करने से पहले कुछ खास बातें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमेशा कानों में खुजली होना या कान बंद होना कान का ईयर वैक्स प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपके कान में लगातार खुजली हो रही है या फिर आपको कान बंद की समस्या हो रही है, तो इसमें आपको घरेलू उपाय ना अपनाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कान खुद से साफ करना या फिर कोई घरेलू नुस्खे से अपने कान साफ करना आपको भारी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कानों में जो वैक्स होता है वो कान के लिए बहुत हेल्दी और जरूरी होता है। ऐसे में कान को साफ करना या कान में तेल डालना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिना किसी जानकारी के आप कान में तेल न डालें और कान में ईयरबड या कॉटन बिल्कुल न डालें। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो अपना कान बिल्कुल ना साफ करें, और अगर आपके कान में पानी या फिर कोई धूल चली गई है तो उस कान को बाहर से ही साफ करें, क्योंकि कान में कोई भी चीज डालना आपके लिए गलत है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कान के वैक्स को बार बार साफ करना भी नुकसानदायक हो सकता है। कान में जो वैक्स होता है वो कान के लिए बहुत जरूरी होता है और इससे आपके कान में धूल मिट्टी या फिर कोई भी कीड़ा जाने से बचाने में ईयर वैक्स दरअसल मदद करता है। तो अगर आपको कान में दर्द या फिर कान में खुजली या फिर कान को साफ करने की जरूरत महसूस हो रही है तो खुद से कान को साफ ना करें। अगर आपको कान में खुजली है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।